हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आप लोगों को आपके ही इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक्सनेस के प्लेटफार्म्स के बारे में। एक्सनेस के प्लेटफार्म यहां पर आप चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं या फिर वेब, तीनों ऑप्शन है यहाँ पर एक्सनेस में ट्रेड करने के लिए। आप के पास अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप के ऊपर हम ट्रेडर का जो MT4 है, MT4 का टर्मिनल डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लाइव इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे, अगर आपके पास PC है, लैपटॉप है, तो उसके अंदर कैसे आप मेटा ट्रेडर 5 और MT4 या MT5 टर्मिनल को कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे, वो इस वीडियो के अंदर लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो है मोबाइल का, आप मोबाइल में जैसे कि ये आपका MT4 का एप्लीकेशन और MT5 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और उसमें अपना अकाउंट का डिटेल डालकर लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं, ये इजीली है। इसके बाद खुद का एक्सनेस टर्मिनल है, जैसे साइन इन एक्सनेस टर्मिनल पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपका ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा वेब पे, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर पाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये टर्मिनल एक्सनेस का खुद का टर्मिनल है, इसको यूज कर पाएंगे। या फिर मेटा ट्रेडर का वेब टर्मिनल भी है, तो आप वेब टर्मिनल पे भी जाकर आप इसको लंच मेटा ट्रेडर वेब पे क्लिक करेंगे और ये कंटिन्यू टू MT4 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अकाउंट का डिटेल डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करके आराम से आप इसको यहाँ पर भी ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि इस तरीके से हमने एक अकाउंट का डिटेल डाला और ये ओके पर क्लिक किए और ये जो टर्मिनल है वेब टर्मिनल यहाँ पर भी यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो प्लेटफार्म इसका एक है डेस्कटॉप या PC, अगर आपके पास ये MT4 और MT5 आप दोनों में कोई इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, लास्ट तक बने रहें। एक्सनेस ब्रोकर वर्ल्ड का नंबर 1 फोरेक्स ब्रोकर है, 15-16 साल पुराना ये ब्रोकर है। अगर आपका इसके अंदर अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। लाइव इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव अकाउंट क्रिएट करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसके अंदर अकाउंट आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए क्रिप्टो, वीजा, मास्टर कार्ड, एस्ट्रोपे, बिटकॉइन, स्क्रील, स्टिक पे, ऑनलाइन बैंक इंडिया के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पर सभी प्रकार से डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आप इसके अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है YouTube पे और यहाँ पे सर्च करना है एक्सनेस बाय गुप्ता टीम, या फिर जो ये वीडियो देख रहे हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके आप कोई सा भी वीडियो अगर आप हमारा देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे और ये लिंक आ जाएगा। और ये जो एक्सनेस का पार्टनर कोड है तो एक्सनेस का पार्टनर कोड आप यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। एक्सनेस का पार्टनर कोड को कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करने के बाद जो क्रिएट अकाउंट एक्सनेस फॉरेक्स ब्रोकर है या साइन अप लिंक है उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, आपको सिंपली रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कौन सा कंट्री से, आप कोई भी कंट्री में है, आप इंटरनेशनल ये ब्रोकर है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रोकर है, तो जैसे कि आप इंडिया से हैं तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी जो भी आपका यूज है वो ईमेल आईडी यूज कर लीजिए। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड आपका कैसा रहेगा, 8 से 15 चैप्टर्स का रहेगा पासवर्ड। ठीक है, एटलीस्ट 1 अपर एंड 1 लोअर केस लेटर रहेगा, एटलीस्ट 1 नंबर रहेगा, एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर रहेगा। ठीक है, तो सभी मिक्स करके आपको डाल लेना है और डालने के बाद यहाँ पर
पासवर्ड डाल के, और इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पार्टनर कोड ऑप्शनल है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी साइन अप कर सकते हैं और नहीं तो पार्टनर कोड से साइन अप करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और पार्टनर कोड को जो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ पार्टनर कोड उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, और पेस्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रियल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या डेमो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ से आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, डेमो अकाउंट वैसे ये $500 का मिल गया। यहाँ पर इस तरीके से आप बाय एंड सेल, ये टर्मिनल है ठीक है, यहाँ से आप ये कर सक पाएंगे जैसे कि ऐसे ठीक है, बाय यहाँ पे ऐसे बाय कर लेंगे बाय हो जाएगा, सेल करना है तो ऐसे सेल पे क्लिक करेंगे ये सेल हो जाएगा, कंफर्म सेल ऑर्डर ये सेल हो गया, बाय करना है तो यहाँ पे बाय करेंगे और कंफर्म बाय पे ऐसे ये बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बाय सेल कर पाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे दो ट्रेड हमारा चल हो गया, एक बाय का एक सेल का। इसी तरीके से अब यहाँ पे टीपी लगाना है तो यहाँ पे टीपी पे क्लिक करके अपना टीपी डाल सकते हैं, एसएल लगाना है तो यहाँ पे ऐड करके एसएल लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, या फिर यहाँ पर भी टेक प्रॉफिट और सारा कुछ अपना डाल सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर डाल सकते हैं ना, सारा कुछ यहाँ पे आप कर पाएंगे। ये एक्सनेस का टर्मिनल है खुद का, और अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं टर्मिनल तो वो टर्मिनल मैं यूज किस लिए करता हूँ वो एक नया फैसिलिटी उसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा एक चीज उसके अंदर अलग फैसिलिटी मिलता है, वो क्या चीज है मैं इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ। प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे और ये MT5 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो MT5 के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर MT4 टर्मिनल को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो MT4 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और सिंपली यहाँ डाउनलोड मेटा ट्रेडर 4 जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ये आपका डाउनलोड होने लगेगा। और डाउनलोड हो जाएगा 3.7 MB का रहेगा, इसको डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर एस पे क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ नेक्स्ट करना है, फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप ये नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ अगर कोई अकाउंट अपना लॉगिन करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा सर्वर है, सर्वर सेलेक्ट करके सर्वर कहाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई ओपन अकाउंट किया है ना, तो अकाउंट जैसे कोई ओपन किए हैं तो वहाँ पे सर्वर लिखा रहता है अकाउंट डिटेल में, तो सर्वर सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओपन न्यू डेमो अकाउंट, न्यू डेमो अकाउंट पे टिक लगा के, या रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट पे टिक लगाएंगे, डेमो अकाउंट है तो डेमो अकाउंट पे टिक लगाएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वेब पर आ गया, ठीक है वेब पर आ गया। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, साइन इन कर लीजिएगा। साइन इन कैसे करेंगे, जो ईमेल आईडी से साइन अप किए थे, जो पासवर्ड बनाए थे वही ईमेल आईडी और पासवर्ड से आपका ये साइन इन हो जाएगा। जैसे ही साइन इन होगा आपको अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, ये हमारा पुराना अकाउंट है, ये सब कुछ इस ये अकाउंट में अकाउंट पूरा वेरीफाई है, वेरीफाई रहेगा तो इस प्रकार का आपका वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोलेगा कि प्लीज अकाउंट वेरीफाई, तो आप अपना अकाउंट को वेरीफाई कर लीजिएगा, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है उसको लगा के जस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद ये ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तो स्टैंडर्ड अकाउंट मिलता है जहाँ पर मिनिमम आप $1 डिपॉजिट करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा है जीरो वाला, ये हमारा फेवरेट दो अकाउंट है, एक है स्टैंडर्ड जिसमें मिनिमम $1 डिपॉजिट करके ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा है जीरो स्प्रेड वाला जिसमें कि आपको 30 पेयर्स जो है 30 पेयर्स यहां पर जीरो स्प्रेड के
फॉरेक्स पेयर मिलते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, जीरो स्प्रेड का, ठीक है। 30 पेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जिसमें गोल्ड भी शायद इंक्लूड है, गोल्ड भी है, यूरोएसडी भी है, जीबीपीयूएसडी भी है, यानी मेन मेन पेयर जो है 30 पेयर, इसके अंदर जीरो स्प्रेड का आपको मिल जाएगा। स्प्रेड पूरा बिल्कुल फ्री है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट $500 है, ठीक है। तो ये दोनों में आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, या फिर स्टैंडर्ड सेंट में कर सकते हैं। तो इसमें स्प्रेड 0.30 सेंट लगता है स्प्रेड, है ना। तो बेस्ट रहेगा जीरो वाला अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, या फिर ये वाला कीजिएगा, इसमें स्प्रेड 0.20 है ना, 0.20 है, तो ये ठीक रहेगा। स्टैंडर्ड वाला अकाउंट ओपन कर लीजिए अगर कम अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप $500 प्लस से स्टार्ट करना चाहते हैं तो जीरो वाले अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपको आ जाना है टर्मिनल पे, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए मैं मिनिमाइज करके टर्मिनल ये आ जाएगा, इसे मैं ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉगिन डिटेल डालेंगे, लॉगिन डिटेल जैसे कि मान लीजिए आप जो अकाउंट लॉगिन किए हैं वो अकाउंट में, जैसे ये अकाउंट हो गया लॉगिन डिटेल, ठीक। आएंगे टर्मिनल पे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे पासवर्ड। पासवर्ड आपको यही पे, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप चेंज ट्रेडिंग पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड जो रखना चाहते हैं वो करके चेंज पासवर्ड पे आप ट्रेडिंग पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड इंटर किया, और कौन सा सर्वर है वो सर्वर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये टर्मिनल लॉगिन हो गया, जैसे कि ये है, देखिए ये वाला है ना, ऐसे ये डेस्कटॉप पे ये टर्मिनल ऐसे इंस्टॉल हो गया, ठीक। अब कभी भी हमें ट्रेडिंग करना है, आएंगे डेस्कटॉप पे, इसको डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसका ये टर्मिनल ओपन हो गया, यहाँ मिनिमाइज, ठीक है। इसको चेंज करना चाहेंगे तो अपने हिसाब से उसको कर पाएंगे। यहाँ फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना अकाउंट, यहाँ से भी अगर लॉगिन करना है अपना अकाउंट, MT4 का अकाउंट लॉगिन करना है तो यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करेंगे, ठीक है। पासवर्ड इंटर करेंगे, इसके बाद सर्वर और लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। इनकमिंग मेल। ये लॉगिन हो गया। अब ये लॉगिन होने के बाद यहाँ पर एक फैसिलिटी ऐसा मिलता है जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेड मेरा चल रहा है, ठीक, ट्रेड मेरा चल रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, और एसएल के नीचे यहाँ पे एसएल पे क्या करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप पे आके यहाँ पे कितने पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लगाना चाहते हैं, कितने पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब प्रॉफिट में अकाउंट जाएगा तो जैसे ही 50 पॉइंट ऊपर जाएगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा, और 50 पॉइंट जैसे ही वो बढ़ता जाएगा प्रॉफिट में, वो 50 पॉइंट मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बढ़ता जाएगा, और 50 पॉइंट से जैसे ही नीचे आएगा मेरा कट हो जाएगा ट्रेड, है ना। तो ये यहाँ पर फैसिलिटी मिलता है टर्मिनल पे, और बाकी वेब पे तो मैंने चेक कर लिया है, वेब पे कहीं ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिलता है, मैंने चेक कर लिया है, और ये टर्मिनल पे जो इंस्टॉल किए भी यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलता है ट्रेलिंग स्टॉप का, है ना। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि कितने पॉइंट का हमें ट्रेलिंग एसएल लगाना है, वो वहां पे इंटर करके ओके पर कर देंगे, तो क्या होगा उतने पॉइंट जैसे ही मार्केट बढ़ेगा वो उतने पॉइंट पे नीचे से स्टॉप लॉस लगता जाएगा, वो बढ़ते जाएगा, और जैसे ही उतने पॉइंट का भी मार्केट होता है ना कि धराम से गिरेगा, तो वहां पर वो मेरा एसएल कट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक अलग बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ तक आपने देख लिए कि कैसे आपको MT4 या MT5 टर्मिनल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसको अगर सेटिंग करना चाहेंगे तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज पे भी क्लिक कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे आके ये आप कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए बार अप ग्रीन, बार डाउन इसको रेड करना चाहते हैं, और बुल कैंडल को ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन 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 कौन सा है, हाँ ग्रीन ठीक। इसके बाद बियर कैंडल रेड, लाइन ड्रॉप ये ग्रीन, वेलम ग्रीन, आस्क लाइन ये ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ग्रिड को हटाना चाहते हैं तो ये अपना अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर पाएंगे, ठीक है, इस तरीके से अपना ये कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे चार्ट को बढ़ाना घटाना है तो यहाँ पे माउस को पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपका बढ़ेगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड यहाँ पे रखेंगे तो होगा। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ पर आपने देखा कि MT4 और MT5 एप्लीकेशन को, MT4 ये जो डेस्कटॉप के लिए जो टर्मिनल है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे अकाउंट बनाना है एक्सनेस में। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और भी किसी प्रकार के ऊपर एक्सनेस के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।